नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारी सदस्यता को ग्रहण करके आप न्यूज क्लिक के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और दोस्तों, आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये बतलाने के लिए है कि किस तरह से इस देश का सिस्टम पूरी तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से बैठ गया है। पिछले 7 सालों में यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की विरासत कि हमारा पूरा सिस्टम बैठ गया है। और कैसे, मैं आपको बतलाऊंगा 3 खबरों के जरिए। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मुद्दा नंबर 1, मद्रास हाई कोर्ट ने एक सख्त आदेश में कहा है कि तोते को आजाद करो। तोते यानी सीबीआई को आजाद दो, उसे बिल्कुल चुनाव आयोग जैसी स्वायत्तता दो। यह मोदी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि 7 साल के अंदर अब जाकर आपको मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई को आजाद करो। मुद्दा नंबर 2 आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों, गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कोरोना के वक्त यानी कि पिछले साल से इस साल तक गुजरात सरकार ने यह दावा किया था कि सिर्फ 10,000 मौतें हुई थी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव यानी कि पत्रकारों के एक समूह ने जांच की है और उस जांच में पता चला है कि दरअसल 10,000 नहीं 2,81,000 मौतें हुई थी असल में। और यह कम से कम मौतें हैं, ज्यादा से ज्यादा यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। और तीसरा मुद्दा जो आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेगासस मामले में 10 दिन के अंदर जवाब दायर करने को कहा है। मगर मुद्दा जो मैं इसके अंदर आपके सामने लेकर आने वाला हूं यह कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रवाद का सहारा लिया है, देशभक्ति का सहारा लिया है और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर कह दिया है कि हम बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार क्यों गलत है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले जो बड़ी खबर है जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान की खबर, तोते को आजाद करो, सीबीआई को दो, चुनाव आयोग जैसी स्वायत्तता, हाई कोर्ट की केंद्र सरकार को सलाह। खबर क्या है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दरअसल मुद्दा यह हो रहा है कि सीबीआई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बन गई है, वो उसका राजनीतिक एजेंडा पूर्ति करने का एक जरिया बन गई है। क्या कहा गया है अदालत में आपके स्क्रीन पर, सीबीआई पर बीजेपी सरकार का कंट्रोल। इधर सीबीआई ने बीते कुछ सालों में विपक्ष के काफी नेताओं के विरुद्ध मामले दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है, जिसे लेकर भी उस पर भाजपा सरकार के नियंत्रण का आरोप लगता रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एजेंसी की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को सीबीआई को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए विचार करने का निर्णय का निर्देश दिया जाता है, ताकि सीबीआई केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ अपना कार्य कर सके। यानी कि मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश बहुत मायने रखता है कि आप नए सेट ऑफ कानून लाएं और उस सेट ऑफ कानून के अंतर्गत सीबीआई जो है वो स्वायत्त हो सके, बिल्कुल चुनाव आयोग के जरिए। मैं मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता हूं और उसका तहे दिल इज्जत करता हूं। मगर मेरी कुछ आशंकाएं हैं दोस्तों। यह आंदोलन याद है आपको, अन्ना आंदोलन, लोकपाल को लेकर आंदोलन था। इस आंदोलन के पीछे आरएसएस की ताकत भी थी, पूरा का पूरा विवेकानंद फाउंडेशन यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का विवेकानंद फाउंडेशन, अजीत डोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन इस आंदोलन के पीछे की ताकत थी। इस आंदोलन के अंदर असल मांग हुई थी लोकपाल बिल की, लोकपाल बिल लाए जाने की मजबूती के लिए। पिछले 7 सालों में क्या हुआ बताइए, लोकपाल की आप कुछ गूंज सुनाई देती है? अन्ना तो चलो गायब हो गए, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो कि लोकपाल आंदोलन पर सवार होकर सत्ता में आसीन हुई थी, आजकल लोकपाल की कौन बात करता है बताइए। तो कहने का प्रयास मैं ये कर रहा हूं दोस्तों कि इस देश में कई चीजों की बात की गई मगर पिछले 7 सालों में उन्होंने भुला दिया। अब मद्रास हाईकोर्ट क्या कह रही है कि हमें चुनाव आयोग जैसी स्वायत्तता लाना है, जिस तरह की ऑटोनॉमी चुनाव आयोग की है उसी तरह की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक प्रमाण देना चाहता हूं,
क्या आप जानते हैं, वैसे आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, अशोक लवासा लोकसभा चुनावों से पहले ये तीन चुनाव आयुक्तों में थे। क्या आप जानते हैं कि अशोक लवासा की भी जासूसी करवाई जा रही थी, पेगासस के जरिए उनके फोन का भी कथित तौर पर हैकिंग हुई थी। ये खबर आपके सामने, देखिए। अशोक लवासा का क्या दोष था दोस्तों? अशोक लवासा का यह दोष था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जब जब उल्लंघन किया, ये आदमी जो है सामने आकर खड़ा हो गया था। इसने सवाल उठाए थे केंद्र सरकार से, और उसके बाद क्या हुआ? इनकम टैक्स के जरिए इनके परिवार को परेशान किया गया, सीबीआई के जरिए परिवार को परेशान किया गया, और यही नहीं, पेगासस मामले में उनका नाम सामने आया है कि अशोक लवासा के फोन की हैकिंग का प्रयास हुआ या हैकिंग हो गई। मैं फिर पूछना चाहता हूं मद्रास हाईकोर्ट से, अगर आप कह रहे हैं कि सीबीआई को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो मुझे बताने का प्रयास करें कि अगर चुनाव आयोग जैसी आपको स्वायत्तता या चुनाव आयोग जैसी आपको आजादी चाहिए तो क्या इसके कोई मायने हैं? बताइए, क्या इसके कोई मायने हैं? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, मोदी सरकार के अंतर्गत मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया इनके सामने नतमस्तक है। चुनाव आयोग में आप जानते हैं जो बाकी चुनाव आयुक्त भरे पड़े हैं वो कितने बड़े मोदी समर्थक हैं। सबसे दुख की बात यह है कि पिछले 7 सालों में सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठनी शुरू हो गई है। आपकी स्क्रीन पर यह है रंजन गोगोई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं, कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। आप प्रिंट की एक खबर देखिए, प्रिंट की इस खबर के मुताबिक रंजन गोगोई के 5 ऐसे बड़े फैसले थे जिसका फायदा मोदी सरकार को हुआ। आपके सामने, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रिंट की खबर है। रंजन गोगोई जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से सीधा राज्यसभा पहुंच जाते हैं। मैं माननीय मद्रास हाईकोर्ट से कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप सीबीआई को अगर चुनाव आयोग जैसी ऑटोनॉमी देना चाहते हैं तो आपके सामने 2 मिसाल हैं, खुद चुनाव आयोग की, कि चुनाव आयोग के अंदर जो अपनी रीढ़ रखता है, जो अपनी आवाज रखता है, उसे किस तरह से परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक पर ये सवाल उठने लगे हैं। और रंजन गोगोई वाला मामला भी पेगासस में आया, क्योंकि जिस महिला ने रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, न सिर्फ उसका बल्कि उसके परिवार के 11 सदस्यों का पेगासस के जरिए उनका फोन हैक किया गया और उनके फोन की मुआयना किया जा रहा था, हैकिंग की जा रही थी, जासूसी की जा रही थी। मैं फिर पूछना चाहता हूं मद्रास हाईकोर्ट साहब से, माननीय मद्रास हाईकोर्ट से, कि बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई जो है स्वायत्त हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, मगर उस आजादी के कोई मायने नहीं होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी का उन पर कंट्रोल बना रहेगा। क्योंकि 7 सालों में इन्होंने बस एक ही चीज प्रमाणित की है कि हमें संचार, प्रचार, इस सब पर काबू रखना है। और इसके जरिए इन्होंने देश की तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पर कंट्रोल किया और सांवैधानिक मूल्यों की लगातार धज्जियां उड़ाई गई, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई। इसलिए मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के कोई मायने नहीं है अगर वाकई सीबीआई स्वायत्त होने के बाद भी चुनाव आयोग जैसा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इस मुद्दे पर एक गंभीर चर्चा होगी और हम वाकई सीबीआई को स्वायत्त करेंगे, आजाद करेंगे सरकारी दखल से। और आज का दूसरा मुद्दा दोस्तों आपके सामने, पेगासस का मुद्दा। खबर आपके सामने है, इस खबर के मुताबिक 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार को पेगासस के मामले में जवाब देना होगा। खबर क्या, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर कहा है कि सरकार को 10 दिनों के भीतर इन आरोपों का जवाब देना होगा कि क्या इसराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का जासूसी में इस्तेमाल किया गया या नहीं। अब हुआ क्या, जैसे ही खबर आई तो सोशल मीडिया के अंदर तमाम लोग कहने लगे कि मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा, करारा झटका। मगर जैसी जैसी खबर के डिटेल सामने उभर कर आए ना, तब मैंने पढ़ा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने एक बार फिर पहले की तरह वही देशभक्ति, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रवाद, तमाम जैसे मुद्दों का सहारा लिया, इस मुद्दे से
अपना दामन छुड़ाने के लिए, इस मुद्दे से अपना नाम छुड़वाने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सरकार के नुमाइंदे ये शख्स तुषार मेहता ने अदालत में क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक बहस का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने पीठ को बताया ये सॉफ्टवेयर हर देश द्वारा खरीदे जाते हैं और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसका खुलासा किया जाए कि क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया या किया गया। अगर हमने इसकी जानकारी दी तो आतंकवादी एहतियाती कदम उठा सकते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं और हम अदालत से कुछ भी छिपा नहीं सकते। यानी कि एक बार फिर इन्होंने आंतरिक सुरक्षा का सहारा ले लिया। क्या कहा तुषार मेहता ने? तुषार मेहता ने कहा कि अगर जैसे ही हम इसका खुलासा करेंगे तो आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे, आतंकवादी जो हैं वो फिर अपनी व्यवस्था में परिवर्तन ले आएंगे और उससे हम उन पर निगरानी नहीं रख पाएंगे। यानी कि ले देके वही देशभक्ति राष्ट्रवाद का सहारा लिया। मगर यह दलील कितनी गलत है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपके चेहरे सामने ये तीन चेहरे पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले पत्रकार रोहिणी सिंह, हमारे सहयोगी परंजय गुहा ठाकुरता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एक एक करके मैं आपके सामने बात करूंगा। ये जो तीनों चेहरे आपने देखे, आप बताइए क्या इन तीनों में से कोई भी आतंकवादी है? मगर पेगासस मामले में इन तीनों के फोन्स निशाने पर थे। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और बताता हूं कि तुषार मेहता गलत क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रोहिणी सिंह ने बतौर पत्रकार कैसी कैसी खबरें की। रोहिणी सिंह ने यह खबर की जिसका नाम था द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह। इस खबर के मुताबिक, खबर यह कहती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो टर्नओवर था जय शाह की कंपनी का, उसका टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया। यही नहीं, उनकी जो कंपनी का राजस्व था वो एक जमाने में सिर्फ 50,000 था और वो 80 करोड़ हो गया। और ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। दूसरी खबर क्या की उन्होंने आपके स्क्रीन पर, नैतिकता को ताक पर रखकर पीयूष गोयल ने पीरामल समूह को बेचे अपने कंपनी के शेयर। पीयूष गोयल जब मंत्री थे तो इस तरह का काम कर रहे थे, नैतिकता को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली मंत्रियों में से हैं। आपको याद है ये पीयूष गोयल अभी कुछ ही दिनों पहले उद्योग जगत को कह रहे थे कि आप लोग देशद्रोही क्यों हैं, टाटा समूह को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। इनका पीरामल समूह के साथ ये डीलिंग चल रही थी। रोहिणी ने यह खबर भी की थी। यही नहीं, रोहिणी की एक और खबर थी जो कुछ दिनों पहले आई थी कि पीटर मुखर्जी जो थे उनका जो चैनल था उसके मुखिया थे मुकेश अंबानी। अब उस मामले में चिदंबरम से तो पूछताछ हुई और चिदंबरम जेल भी गए, मगर आज तक सरकारी एजेंसियों ने मुकेश अंबानी से पूछताछ नहीं की। क्यों नहीं की? रोहिणी ने ये तीनों खबरें की थी। अब आप सोचिए, रोहिणी के फोन की जांच हो रही है, उनके फोन को हैक किया गया, यानी कि सरकार को अब पता चल जाएगा कि रोहिणी किन लोगों से मिल रही हैं, रोहिणी अपनी खबरें कहां से ला रही हैं। यानी कि एक पत्रकार जो आपके सामने हकीकत लाना चाहता है उसे दबाया जा रहा है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये तुषार मेहता से समझना चाहता हूं कि इसमें देशभक्ति कहां गई, इसमें आंतरिक सुरक्षा कहां गई। यानी कि आप पत्रकार पर अंकुश डाल रहे हैं। अब इन पर गौर कीजिए। परंजय गुहा ठाकुरता मेरे सहयोगी हैं न्यूज क्लिक में। परंजय गुहा ठाकुरता वो शख्स हैं जिन्होंने देश के दो बड़े उद्योगपतियों पर खबर की है। सबसे पहले आप इनकी एक किताब देखिए, गैस वॉर्स क्रोनी कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज। यही नहीं, क्या आप जानते हैं इस खबर के मुताबिक अडानी ग्रुप ने भी परंजय गुहा ठाकुरता के ऊपर केस कर दिया था और उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था गिरफ्तारी का। परंजय गुहा ठाकुरता उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने देश के दो सबसे ज्यादा ताकतवर उद्योगपतियों पर स्टोरीज की, कहानियां लिखी। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, वो आराम से घर में बैठ सकते थे हाँ? मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के दो सबसे करीबी उद्योगपतियों, दो ताकतवर उद्योगपतियों पर स्टोरीज की, कहानियां की, रिपोर्ट्स की, किताब लिखी। अब उनके फोन को भी हैक किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
सरकार को तो पता चल जाएगा कि परंजय गुहा ठाकुरता किससे मिल रहे हैं, क्योंकि उनके फोन को हैक कर लिया गया है। अब मैं समझना चाहता हूं कि इससे केंद्र सरकार को किस तरह से मदद मिल रही है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने की। अब इस तीसरे चेहरे पर गौर कीजिए, राहुल गांधी। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस खबर के मुताबिक उनके फोन को या तो हैक कर लिया गया था या हैक करने की कोशिश की गई थी। यानी कि केंद्र सरकार को कांग्रेस की रणनीति का पूरी तरह से अंदाजा था। यही नहीं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, और सरकार गिरने से पहले इन तीन लोगों के या इनके इनसे जुड़े लोगों के फोन्स जो हैं वो पेगासस के जरिए सर्वेलांस पे थे। कौन से तीन लोग हैं? सिद्धरमैया के असिस्टेंट, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा और एचडी कुमारस्वामी के असिस्टेंट। इन तीनों के फोन्स या उनसे जुड़े लोगों के फोन्स पेगासस के जरिए हैक कर लिए गए थे, और उसके बाद क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ये जो तमाम मैंने आपको मिसालें दी, चाहे रोहिणी हो, परंजय गुहा ठाकुरता हो, राहुल गांधी हो, या फिर चौथी मिसाल, इनमें से कौन सा मामला मुझे बताइए देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? इसलिए मैं तुषार मेहता से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की दलीलें आप क्यों दे रहे हैं अदालत में? यह दलील अपने आप में बेमानी है। यह बहुत ही हल्की और खोखली दलील है। आप सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना करे, मोदी सरकार से सवाल ना करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर किसी तरह की कोई आंच ना आए। आपका सिर्फ यह कर्तव्य है, आप सिर्फ यह करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब दोस्तों, आज मैं अब बात करने वाला हूं हमारे तीसरे मुद्दे की, और तीसरा मुद्दा है कि गुजरात मॉडल किस तरह से फेल हो गया। और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह खुलासा किया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम के पत्रकारों के एक समूह ने। वो खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और फिर मैं उसका अनुवाद करूंगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने गुजरात की 170 में से करीब 68 नगर पालिकाओं की जांच की, और नगर पालिकाओं की जांच के चलते इन नगर पालिकाओं में, उन 68 नगर पालिकाओं में कितनी मौतें हुई कोरोना काल में और कितनी मौतें हुई नॉन कोरोना काल में, यानी कि जब कोरोना नहीं था तब कितनी मौतें हुई और जब कोरोना हो गया तब कितनी मौतें हुई, इन्होंने 68 नगर पालिकाओं की जांच की। और उन्होंने अपनी जांच में यह पाया जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। An analysis of the death registers shows that in the 68 municipalities, 16,892 more people died from all causes between March 20 and April 2021 compared to the same period the prior year, the year preceding the pandemic. यानी कि कोरोना काल में पिछले साल के मुताबिक, जब कोरोना नहीं था, 16,892 अतिरिक्त मौतें हुई थी। और इस हिसाब से जो उन्होंने आकलन लगाया, उन्हें यह पता चला कि इस लिहाज से पूरे गुजरात में कोरोना काल में करीब 2.81 लाख मौतें हुई, यानी कि 2,81,000 मौतें। और यह जो आंकड़ा था दोस्तों, सरकारी आंकड़ा क्या था? सरकारी आंकड़ा था 10,000 का, और जो इन्होंने पता लगाया उसके मुताबिक 2,81,000 मौतें हुई हैं। फर्क देख रहे हैं आप दोस्तों? यानी कि उनके मुताबिक 27 गुना ज्यादा मौतें हुई थी, असल में 27 गुना ज्यादा मौतें हुई थी। और यही हाल उत्तर प्रदेश का था। आपके स्क्रीन पर यह आर्टिकल 14 का जो एक आर्टिकल है, डेथ काउंट इन 24 यूपी डिस्ट्रिक्ट्स 43 टाइम्स मोर देन ऑफिशियल कोविड 19 टोल। यानी कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उत्तर प्रदेश ने जो सरकारी आंकड़ा जारी किया था, असल में कोरोना से जो मौतें हुई थी वो 43 गुना ज्यादा थी। और ये दोनों बीजेपी के राज्य हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, महाराष्ट्र और केरल दूसरी लहर में सबसे ज्यादा बदनाम ये दो राज्य थे कि सबसे ज्यादा मौतें यहां हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों राज्य आंकड़े नहीं छुपा रहे होंगे, छुपा रहे होंगे ये भी, मगर वो लोग अपने नागरिकों को नहीं धमकाते, जो लोग हकीकत लाते हैं उनको नहीं धमकाते। और आप देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, उत्तर प्रदेश में 43 गुना ज्यादा और गुजरात में 27 गुना ज्यादा, और यह आधिकारिक आंकड़ा कहीं सामने नहीं आया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि देश को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। गुजरात मॉडल धराशायी हो गया है और उत्तर प्रदेश मॉडल तो आपके सामने है। खैर,
बोल के अब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.